हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिरदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में, ठीक है। इससे पहले हम एचएनबी यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर चुके हैं। आप अगर उसका सिलेबस और उसका कम्प्लीट डिटेल देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिरदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2021 का है, इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसके एग्जामिनेशन शेड्यूल, इसका एग्ज़ाम सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इसकी फीसेस क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे वो 2 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किए जाएंगे और लास्ट डेट इसकी फ़ीस जमा करने की 28 अक्टूबर है। फॉर्म आपके 25 अक्टूबर तक ही भरे जाएंगे। उसके बाद इसकी अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट की बात करें, कब एंट्रेंस होगा, तो 14 नवंबर 2021 को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरीज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फ़ीस 1000 रुपये है और एससी एसटी की फ़ीस 600 रुपये है। और इसके आप एग्ज़ाम सेंटर भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, सारे के सारे ज़िलों में लगभग तो है ये, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 14 तारीख को ये आपका पेपर होगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर होगा। और इसमें आपका क्या क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बीएड आपका, आपको बताइए, इसकी अवधि 2 साल की होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यूजी और पीजी आपके पास या फिर अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए, या आप पोस्ट ग्रेजुएट भी अगर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और जनरल कैटेगरी से आपकी 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स आपको मिनिमम होने चाहिए इन ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी आपका लास्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। क्या पैटर्न रहने वाला है इसमें, तो देखो इसमें जो आपका प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप है वो दिया गया है। परीक्षा का समय 3 घंटा होगा, ठीक है। और आपका जो पेपर जो होगा वो B1 और B2 दो सेक्शन में होगा। B1 में भी आपको 2 पार्ट होंगे, ठीक है। B1 में आपको एक जनरल नॉलेज होगा और एक आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, या फिर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। तो 50 क्वेश्चन आपका जीके का होगा और 50 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो मतलब टोटली 100 नंबर हिंदी का हो गया और 100 नंबर जीके का हो गया, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश का। तो 200 नंबर ये हो गया। इसके बाद जो इसमें आपका B2 है ये भी 2 पार्ट में होगा, एक जनरल इंटेलिजेंस जिसमें रीजनिंग वगैरह होगा और दूसरा इसी में स्पेशल एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, जो वो भी 1.5 घंटे का होगा। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन तो जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, ठीक है, जो 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 100 नंबर का ये हो गया। और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड में आपका, अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, साइंस वाले हैं तो साइंस के, ठीक है, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स के। तो इसके भी 50 क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि ये भी 100 नंबर का हो गया। तो टोटल ये पेपर आपका, टोटल जो है पेपर आपका 400 नंबर का हो गया। आपको जो है हिंदी और इंग्लिश में से एक ही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। और जो एप्टीट्यूड में आपको एक कोई वैकल्पिक प्रश्न आपको चुनना है, अगर आप आर्ट के हैं तो आपका आर्ट्स ग्रुप होगा, कॉमर्स ग्रुप या साइंस ग्रुप, ठीक है। और आपको टोटल मिला के जो है 40% अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो लाना होगा, और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 27% मार्क्स मिनिमम लाने होंगे, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ अन्य निर्देश, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो ये हमने दोनों ग्रुप आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। और आपका वेटेज भी आपको मिलेगा अगर आप पे एनएसएस एनसीसी या कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। तो इस सिलेबस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पेपर में आपका हिंदी और इंग्लिश और एक जीके, ठीक है, एक आपका लैंग्वेज होगा और एक जीके होगा। और दूसरा जो इसी में दूसरा पेपर होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको कला विज्ञान या वाणिज्य चुनना होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पेपर दिया गया है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान अथवा अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, इसका एक पेपर होगा। और दूसरा प्रश्न पत्र आपका जो एप्टीट्यूड में आपको कला
या वाणिज्य या विज्ञान आप चुन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 1 घंटा दिया गया, लेकिन ये 1.5 घंटे का होना है, ठीक है। 1.5 घंटे के 2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान आएगा, जो कि 200 नंबर का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो। और आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो आपका पेपर होगा, यहाँ पर 1 घंटा लिखा है लेकिन ये गलत है, ठीक है। दूसरा जो पेपर होगा वो एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो रीजनिंग का होगा, जहाँ पर 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और विज्ञान या का आपका अगर वाणिज्य कला जो भी है, ठीक है, उसके भी वहाँ पर 100 50 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 50 × 100 यानी कि 200 नंबर का टोटल दूसरा पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा है कि आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और 50 क्वेश्चन हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान की पुस्तिका में, 50 क्वेश्चन तो पहले सामान्य ज्ञान के होंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी वाला अगर कोई है तो अंग्रेजी के भी 50 क्वेश्चन पहले वाले जीके के होंगे और 50 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। और प्रत्येक प्रश्न भी 2 नंबर का हो गया, यानी कि 200 नंबर का हो गया। और हिंदी भाषा का जो या इंग्लिश का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश का ही होगा। और जीके के सिलेबस की बात करें तो भारतीय इतिहास, भौगोलिक विशेषताएं, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक तथ्य, राजनीति विज्ञान, तकनीकी उपकरण, वर्तमान घटनाएं, सामाजिक तथ्य, खेल कूद, ये सारा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होगा उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आपका कला है या वाणिज्य है या विज्ञान है, ठीक है, ये अलग अलग होंगे। और एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रश्न पुस्तिका में भी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन तो सामान्य बुद्धि यानी कि रीजनिंग के होंगे और 50 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आपके आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो आर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आपका वाणिज्य है तो वाणिज्य रिलेटेड होंगे, और अगर आपका साइंस है तो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, और मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसका कंप्लीट पैटर्न समझ चुके होंगे आई होप। इसके बाद इसके कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो एक तो इसका कैंपस एक ही कैंपस इसका है, जो कि आपका गोपेश्वर में है, और इसके अलावा ये अदर कॉलेजेस भी दिए गए हैं, काफ़ी सारे कॉलेज हैं इसके, ठीक है। अगर हम बात इनकी फ़ीस की करें तो जो कैंपस है, कैंपस की जनरली फ़ीस 5,000 रुपीज़ होती है। और बात का अगर गवर्नमेंट कॉलेज की करें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो इसके कैंपस के कुछ ही कॉलेज गवर्नमेंट है, सिरदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंदर, इनकी फ़ीस भी 3,000 से लेकर 5,000 तक होती है। लेकिन जो इसके गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन सेल्फ फाइनेंस है, उसकी फ़ीस 35,000 रुपये तक या 40,000 रुपये तक होगी। और जो कॉलेज आपके प्राइवेट है उनकी फ़ीस 50,000 या 45,000 तक होगी, ठीक है। इस टाइप से फ़ीस आप इनकी देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।